नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में ली और हिंदी में शपथ ली। संसद में उनके एंट्री के समय राहुल गांधी ने उन्हें रोककर उनकी फोटो ली। प्रियंका के सांसद बनने पर मां सोनिया गांधी ने गर्व जताया और कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को ढाका कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ हमने जरूरी कदम उठाए हैं। ये मुद्दा सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने कहा कि इस्कॉन के मामले में अभी तक 3 केस दर्ज किए गए हैं और 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी मिली, जो मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन के जरिए दी गई। पुलिस ने 34 वर्षीय मानसिक रूप से स्थिर महिला को हिरासत में लिया, जिसने शरारत में ये धमकी दी थी। महिला का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मामले की जांच जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर हंगामा बढ़ने के बाद संसद की कार्यवाही दोपहर और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट पैनल का कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया। तमिल एक्टर धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया है। दोनों ने 2022 में अलग होने का ऐलान किया था और अब कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूरी दे दी है। धनुष और ऐश्वर्या ने 18 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला लिया और अपने फैसले का सम्मान करने की अपील की। इधर बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके नाम के साथ बच्चन सरनेम नहीं है, जिससे तलाक की जो अफवाह है और तेज हो गई है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बदलाव का कारण केवल प्रोफेशनल है और तलाक की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ऐश्वर्या के इंस्टाग्राम पर अभी भी बच्चन सरनेम मौजूद है। समाज कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के 935 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवारों को 12वीं पास और कम से कम 5 साल का अनुभव आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि आज 28 नवंबर तक है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन आवेदन कर लें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एकेडमिक ईयर 2024-25 के पीएचडी प्रोग्राम में एंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। JNU में पीएचडी प्रोग्राम्स में एंट्रेंस नेट, JRF या गेट के जरिए से किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jnu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 2 दिसंबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलिवेटिंग टीचर एलिवेटिंग इंडिया ऐप लॉन्च किया, जो टीचर्स को वर्ल्ड क्लास रिसोर्स और अच्छे प्रैक्टिस तक पहुंच प्रदान करेगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने विकसित किया है। मंत्री ने टीचर्स को कर्मयोगी बताते हुए कहा कि ये ऐप उनके लर्निंग स्किल्स को बेहतर बनाएगा। ऑलराउंडर मिचेल मॉर्स की पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने तस्मानिया के ऑलराउंडर ब्यू बेबस्टर को टीम में शामिल किया है। बेबस्टर स्पिन और मीडियम पेस गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। 30 साल की बेबस्टर ने कहा कि मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ कुछ रन और विकेट हासिल करना सुखद रहा। आज 28 नवंबर को सोने के भाव में गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने 259 रुपये कम होकर 75,916 रुपये पर पहुंच गया। वही चांदी की दाम की अगर हम बात करें तो 468 रुपये की बढ़ोतरी हुई और ये 88,898 रुपये प्रति किलो हो गई। पहले सोने की कीमत जो है 76,175 रुपये और चांदी की जो कीमत थी 88,430 रुपये प्रति किलो थी। नया महीना यानी कि दिसंबर शुरू होने वाला है। दिसंबर में बैंकों में 17 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 10 दिन बैंक नहीं खुलेंगे। इनके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव में जीत कर आई प्रियंका गांधी ने लोकसभा में शपथ लेने के बाद कहा कि मेरी प्राथमिकता संसद में ये होगी कि देश के मुद्दे को उठाऊं, देश और पार्टी के लिए लड़ूं। मैं आई हूं जिससे राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने संविधान के प्रति लेकर शपथ ली है।
वक्त पर बनी जेपीसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र 2025 के आखिरी दिन तक रिपोर्ट देने का प्रस्ताव लोकसभा में जगदम्बिका पाल ने पेश किया। सदन ने इसकी सहमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ जेपीसी का समय बढ़ाने की मांग विपक्ष ने की है, पर जब आज समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया तब भी कांग्रेस ने हंगामा किया। मैं इसकी निंदा करता हूँ। भारतीय नौसेना ने 3,500 किलोमीटर की क्षमता वाली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो हाल ही में नौसेना में शामिल की गई परमाणु पनडुब्बी INS आरीघाट से की गई। परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है। इस नाव का संचालन सामरिक बल कमान द्वारा किया जाता है। ये जानकारी रक्षा सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इधर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं कुछ इलाकों में AQI 350 से ऊपर है। आनंद विहार में 357, बवाना में 341, जहांगीरपुरी में 354, मुंडका में 364 और सादीपुर में 351 AQI दर्ज किया गया। आईफोन 14 128 GB अब फ्लिपकार्ट पर 50,990 रुपये में उपलब्ध है, जो पहले 69,600 रुपये का था। पुराने फ़ोन को अगर आप बदल कर इसे खरीदते हैं तो 27,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट और कुछ बैंक कार्ड से 2,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। ये एक बेहतरीन डील है जो फ़ोन को और सस्ता बनाती है। एक्सोमी ने भारत में अपने नए 5G स्मार्टफोन रेडमी A4 5G को 8,499 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह सस्ता स्मार्टफोन 5G इंटरनेट का अनुभव देने के लिए उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होगा। फोन दो रंगों में स्टारी ब्लैक और स्पार्कल पर्पल में MI.com, Amazon और एक्सोमी स्टोर्स पर उपलब्ध है। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यानी कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से पृथ्वीवासियों को थैंक्स गिविंग डे की बधाई दी है। विलियम्स ने इस खास दिन को अंतरिक्ष में स्मोक्ड टर्की और मैश किए हुए आलू के साथ मनाने की तैयारी की। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस की राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय नौसेना और DRDO ने समुद्र में K-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल न्यूक्लियर हथियार के साथ 3,500 किलोमीटर तक का मार कर सकती है। परीक्षण INS आरीघाट से लॉन्च किया गया। आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बीच अडानी ग्रुप की 11 सूचीबद्ध कंपनियों में से 9 के शेयरों में शानदार वृद्धि देखी गई। 79,500 पर और NSE निफ्टी 200 अंक फिसल कर 24,072.55 पर पहुंच गया। अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी जैसे कंपनियों के शेयरों में 10% तक की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार बच्चों को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्मों पर हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कंपनियों पर जिम्मेदारी डालने वाला कानून पारित किया है। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में भी सोशल मीडिया कानूनों को सख्त बनाने की आवश्यकता जताई है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर नया विवाद सामने आया है, जब हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दरगाह के सर्वेक्षण की मांग की है। उनका दावा है कि यह स्थल जो है सूफी संत ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती का मकबरा नहीं है, बल्कि एक शिव मंदिर था। इस मामले में अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है और अगली सुनवाई जो है 20 दिसंबर को तय की गई है। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें 7 दिनों के भीतर पत्नी के कैंसर इलाज के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। सिद्धू ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्नी के कैंसर को नीम हल्दी और डाइट से ठीक करने का दावा किया था, जिसे लेकर अब विवाद उठ गया है। यदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो 850 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
वर्ष 2023-24 में आयकर रिटर्न भरने में महाराष्ट्र की महिलाओं ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि गुजरात दूसरे और राजस्थान छठे स्थान पर रहा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में ये जानकारी दी। महाराष्ट्र की 36.83 लाख से अधिक महिलाओं ने आयकर रिटर्न भरा, जो शीर्ष स्थान पर रही। व्हाट्सएप ने आईफोन यूजर्स के लिए नया टाइपिंग इंडिकेटर फीचर लॉन्च किया है, जो स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा। आईफोन के आई मैसेज ऐप जैसा अनुभव मिलेगा। ये फीचर पहले एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पेश किया गया था और अब आईफोन पर भी उपलब्ध है। इस बदलाव से आई मैसेज ऐप जैसे अनुभव प्रदान होगा। जम्मू कश्मीर में आज शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र को बताया जा रहा है। हालांकि इसका केंद्र जमीन से 209 किलोमीटर अंदर होने के चलते किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बांग्लादेश की अवामी लीग के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में बढ़ते हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर गंभीर बयान दिया है। उन्होंने चटगांव में एक वकील की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को तुरंत पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर नई सरकार दोषियों को सजा नहीं दे पाती है तो उसे मानवाधिकार उल्लंघन का जवाब देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए ज्योतिबा फूले को नमन किया। उन्होंने लिखा कि महान समाज सुधारक और शिक्षाविद ज्योतिबा फूले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। ज्योतिबा फूले जी ने एक और वंचितों के उत्थान के लिए अथक कार्य किए तो दूसरी ओर शिक्षा को सकारात्मक बदलाव का सशक्त माध्यम बनाया। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, रिचा कुमारी, अमरजीत यादव, मकसूद आलम, अमित कुमार, मोहम्मद इरफान, राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।